थाना हरिपर्वत पुलिस ने किशोरी से गैंगरेप के मामले में पकड़े गए एक युवक को जेल भेज दिया है, जबकि उसके दो साथियों की तलाश अभी भी पुलिस को जारी है। फतेहाबाद रोड स्थित होटल में किशोरी से गैंग रेप के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है। चौकी परिवारी का कहना था कि शाह मार्केट में एक मोबाइल शॉप पर काम करने वाली युवती ने हरिपर्वत थाने में गैंग रेप का मुकदमा लिखाया है। युवती ने पुलिस को बताया था कि बाइक पर लिफ्ट देने के बहाने युवक उसे बैठाकर होटल ले गए थे और बेहोश करने के बाद उसके साथ दुराचार किया, इंजाम लगा दिया हमारे ऊपर, रेप कराया, ये कराया, उसकी मर्जी से हुआ था सबरे काम। कहाँ पर ले गए थे आप? उधर ले गए थे, उसका नाम क्या है, फतेहाबाद रोड की तरफ ओयो ताज पैराडाइज होटल था, रूम। कितने में रूम लिया था? 1000 रुपये में। फिर क्या रूम लगाया उसने, क्या पैसे की क्या बात कर रही थी? 700 रुपये पर सौ। पैसे कमाने की क्या बात कर रही है? हाँ, वो लड़की पर्से पैसे जो नहीं, मुझे अपने घर पे नहीं रहना है, मेरा जीजा मुझे छेड़ता है, मेरी दीदी चली जाती है काम पर। जब गैंग रेप के आरोपी युवक का कहना था कि युवती अपनी मर्जी से गई थी, आरोप को पकड़ा गया युवक बेबुनियाद बता रहा है। फिर हमने समझाया उसे अपने घर जाए, जी वो फलाना ठिकाना, फिर वो कह रही थी तुम जब तक यहीं रुक जाओ। नहीं, घर जाने को तैयार नहीं थी। हमने समझा बुला के ऐसे भेज दिया तो उसके घर पर उसके घर वालों ने बिल्कुल उल्टा आरोप लगा दिया हमारे ऊपर और पैसे भी दे दिए। उसने वही जे खिला दिया, वो कर दिया, जे करा दिया। पुलिस का कहना है कि होटल के CCTV कैमरे खंगाले गए हैं, उसमें युवती दिखाई दी है। गैंग रेप के आरोप में फरार चल रहे युवकों को जल पकड़ने की बात भी पुलिस कह रही है। अब सवाल ये उठता है, युवती के साथ सामूहिक दुराचार क्यों किया गया? ऐसा भी हो सकता है कि युवती सहमति से गई हो, लेकिन अकेला पाकर युवती के साथ सामूहिक दुराचार किया गया। उमेश शर्मा, CNews, आगरा।